A force of 500 newton is acting towards east, वेक्टर ए नाम दे दिया मैंने, एंड टूवर्ड्स नॉर्थ 600 न्यूटन, उसका नाम वेक्टर बी दे दिया. सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट फोर्स फ्रॉम द सेकेंड फोर्स. सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फोर्स फ्रॉम सेकेंड फोर्स, यानी सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी. तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस ए बना लेंगे. ये रहा माइनस, माइनस ए वेक्टर जो होगा वो माइनस 500 होगा, है कि नहीं, अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो. उसके बाद हम लोग जो रिजल्टेंट निकालेंगे, अब एक तरीके से हमारा गोल क्या है, बी माइनस ए करना है. तो बी माइनस ए करने के लिए इसे हमने कनेक्ट कर दिया है, बहुत ही बेकार तरीके से कनेक्ट हो गया. ठीक है, अच्छा, अब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए ऐसा दिखाई देगा. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. ये एंगल जो है हम लोग थीटा मान लेते हैं. ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है. तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाए, कांडर रूट लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. तो ये 500 और ये वाला 600, तो 600 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, 100 कॉमन ले लिया, 780 न्यूटन आ गया, खत्म. बात अंडर रूट 61 मेहनत करके सीबीएसई वाले निकाल ले और आईसीएसई वाले कैलकुलेटर से निकाल ले. रिजल्टेंट फोर्स इज 780 न्यूटन. प्रॉब्लम आएगी डायरेक्शन में. ठीक है, मैंने आपको टेन थीटा निकालना सिखाया. टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, 600 डिवाइडेड बाय 500. ठीक है, माइनस वगैरह पे अभी ज्यादा फोकस मत करिएगा आप. टेन इनवर्स 6/5 आएगा 51 डिग्री. ठीक है, तो आप क्या लिख रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स इज 780 न्यूटन मेकिंग 51 डिग्री विद वेस्ट डायरेक्शन. वेस्ट कैसे लिख रहे हैं भाई, ये वेस्ट डायरेक्शन है तो ये भी वेस्ट डायरेक्शन हो गई, लेकिन बुक क्या कह रही है, मेकिंग 39 डिग्री विद नॉर्थ डायरेक्शन. तो क्या दिक्कत है, वो भी सही कह रही है, हम भी सही कह रहे हैं. लेकिन अगर आपको मान लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में आंसर नहीं देना है, तब आप ये वाला एंगल काउंट करिए, ये वाला. ठीक है, तब आप बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स 780 न्यूटन मेकिंग, ये वाला एंगल कितना होगा, देखो थीटा कितना था, 51 180 में से 51 माइनस कर दो तो हो जाएगा 129 डिग्री, है ना, मेकिंग 129 डिग्री विद 500 न्यूटन फोर्स. तो ये भी एक तरीका ये है, तो इसको थोड़ा आइसोलेट कर दे. चाहे आप डायरेक्शन ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, सब सही है. मैग्नीट्यूड ये होना,